गुड इवनिंग सागर श्रेष्ठ, नमस्ते नमस्ते बच्चों। गुड इवनिंग सागर श्रेष्ठ, नमस्ते नमस्ते बच्चों। जस्ट वेट फॉर वन मिनट। नमस्ते नमस्ते प्रथम लालू यादव, गुड इवनिंग। यादव जी आप आ गए तो सब लोग आ गए समझ लो। नमस्ते नमस्ते प्रथम लालू यादव। वरदान गुड इवनिंग, हिमांशु गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज तुम लोग तक पहुंच रही है? वरदान गुड इवनिंग हिमांशु। हैव समबडी शेयर द लिंक इन द ग्रुप? मेरी आवाज तुम लोग तक पहुंच रही है? ज्यादा ही आवाज पहुंच रही है। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, लेट अदर पीपल ज्वाइन। बफर पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए आप लोगों ने? बफर, हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड, वीक बेस, कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किए? गुड इवनिंग किरा। ओके किरा, आई थिंक अमय, सागर। कब तक लोगे क्लास? देखते हैं देखते हैं देखते हैं हाउ मच आई कैन एक्सटेंड। सिल्वर स्ट्रिंग गुड इवनिंग। यस सर, बफर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। अच्छा थोड़ा आसान करता हूं, अभी बफर मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, सो डोंट वरी, आज क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट तो है ही बफर, आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्चुअली। चलो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं। बफर से रिलेटेड यदि किसी को कोई डाउट पूछना है पूछ सकते हैं बिफोर आई स्टार्ट। किसी को बफर से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। हैज समबडी शेयर्ड द लिंक इन द ग्रुप? आई होप सो, किसी ने तो किया होगा। एक्सटेंड करोगे क्लास? हो सकता है एक्सटेंड कर ले, हो सकता है नहीं भी करें। इरादा है एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो एक्सटेंड करने का, लेट सी। कल की मिस हो गई थी, बट आई विल कवर दैट यार, आई विल कवर दैट, डोंट वरी। ओके ओके, ये सब मत पूछो, ये सब मोह माया है। कौन कितने क्या, ये सब मोह माया है, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो। विहान कैसे हो, कैसी चल रही तुम लोगों की क्लासेस? मजा आ रहा है? तैयारी अच्छी जा रही है? मार्क्स वार्क्स बढ़िया आ रहे हैं? ओके ओके, पाठक जी, पाठक जी ये तो पर्सनल है, ये तो नहीं बताऊंगा। राघव मैं बढ़िया हूँ, मैं आई एम गुड। जोशी जी बढ़िया, ओके। ज्यादा जय श्री कृष्णा, निरंजन गुड गुड, नमस्ते। चलो फिर, ओवरलोडिंग, अच्छा ओवरलोडिंग। चलो बच्चों शुरू करते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे ही हम लोग का कल का मिस हो गया था। आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, फटाफट करना शुरू कर दो। कमान, मैं साइड में हो जाता हूं। आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा गुड इवनिंग डेलिया, हेलो डेलिया, शिव रुद्रा, टुमारो बी टेस्ट, ओके। टेस्ट वेस्ट भी तो आता जाता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा परफॉर्म करो, मेरी बेस्ट विशेस फॉर द टेस्ट। कमान बच्चों एक क्वेश्चन आप, गुड इवनिंग मोहम्मद समीर, समी ओके समी, आयुष माथुर, हेलो आयुष। पिछला वाला लिंक स्कैम था? नहीं नहीं, वो लिंक चेंज किया था मैंने, एक्चुअली वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ था। स्कैम स्कैम कुछ नहीं है,
स्पैम भी कुछ नहीं है, उस पे ज्वाइन हो गए थे क्या? राज पटेल, ओके राज। चलो फटाफट आज की क्लास में सबका वेलकम, फटाफट क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। त्रिवेदी जी गुड इवनिंग, मैं द्विवेदी, तुम त्रिवेदी, ओके गुड। आप हमसे एक वेद ज्यादा पढ़े सर। एप पे ब्लॉक पी ब्लॉक का लेक्चर डालोगे या हमें खुद पढ़ना पड़ेगा? डालेंगे, खुद पढ़ने का तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास। डिड यू लाइक एनी एडवाइस? डिड यू लाइक माई एडवाइस? यार तुम्हारा एडवाइस मिस कर दिया मैंने, दोबारा भेजू ना? क्वेश्चन नॉट विजिबल, क्यों? चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अ 40 ml सॉल्यूशन ऑफ अ वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 molar, 0.1 molar HCl सॉल्यूशन। ये बहुत क्वेश्चन है, जरूर आपने किया होगा कहीं ना कहीं। pH was found to be 10.04 and 9.14 after addition of 5 ml and 20 ml of the acid respectively. Calculate pKb of the base. Yes, tomorrow I am going to start a new chapter. If you want, you can. Yes. हाँ हाँ वो देख लूंगा यार, अब यहाँ पे बात मत करो, अभी तो क्लास लेते हैं। तुम्हारी एडवाइस बहुत अच्छी थी किरा। चलो वी नो किरा यू आर एडिटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, आई विल टॉक टू यू सेपरेटली फॉर दैट, तुम्हारा एक्सपर्टाइज भी लेंगे। चलो बच्चों फटाफट करो। 4.74 इज नॉट अ राइट आंसर, इट इज नॉट अ राइट आंसर। ऑर्गेनिक की क्लास कौन से सर लेंगे? बता दूंगा आपको, बता दूंगा, या तो कोई सर लेंगे या हमारा कोई क्लोन लेगा, डोंट वरी। मेरा ही कोई क्लोन भी ले सकता है, आजकल ऐसा भी होता है। ओसामा बिन लादेन, संडे हो या मंडे, क्या लिखते हो? वर्मा क्लास है एल्टर्ड बिकॉज आ ओसामा, कैन यू प्लीज मूव? यस यस त्रिवेदी जी, आपके रास्ते में मैं नहीं आ सकता सर, थोड़ा साइड प्लीज, ये लो साइड प्लीज, हो गए। कम ऑन क्विक आंसर, क्विक आंसर। क्लोन स्पेल, क्लोन स्पेल। कम ऑन जल्दी से एकदम करेक्ट वाला आंसर बताइए पाठक जी। थोड़ा क्या साइड में बहुत हो गया मैं। स्टूडियो 4.86 अथर्व इनामदार, विजार्ड हो सीओसी क्यों? ओके जयपुर सेंटर छोड़ दिए क्या? नहीं भाई, ये कौन बोल रहा है? अंकित कुमावत, जयपुर ही हूँ मैं, जयपुर ही हूँ मैं, जयपुर में ही हूँ, जयपुर में ही क्लास ले रहा हूँ। निरंजन 4.93 नहीं है बट इट्स वेरी क्लोज। विहान मेरे पास जो आंसर है इट्स वेरी क्लोज टू 4.9 बट नॉट एग्जैक्टली 4.9, माइट बी तुम्हारी थोड़ी सी मिस्टेक हो या मेरा थोड़ा आंसर में गड़बड़ हो। चलो मैं करता हूं। व्हाट कंसेप्ट यू हैव अप्लाइड? व्हाट कंसेप्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई? कम ऑन, 4.9 ही आ रहा है, ओके हो सकता है, हो सकता है 4.983, ओके चलेगा, चलो 4.983। मेरे पास जो आंसर दिया है वो 5.02 दिया है, इतना चलता है, चलेगा।
आई होप कि आपने करेक्ट क्वेश्चन किया होगा. ओके तो चलो मैं करता हूं. वीक बेस मैं मान लेता हूं लेट्स से BOH, और इसका टाइट्रेशन हमने HCl से कराया तो BCl बनेगा एंड H2O बनेगा, राइट. अब BOH का क्वांटिटी 40 ml दिया हुआ है, इसका मैं सिंपली A मोल मान लेता हूं, और HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.1 मोलर मोलैरिटी है, और पहले 5 ml डाला है. अब जरा ध्यान से समझिए, जो बच्चे क्वेश्चन पहले नहीं किए इस टाइप का वो इसको ध्यान से समझें कि जब भी किसी वीक एसिड का टाइट्रेशन किसी स्ट्रांग बेस से करें, कभी किसी वीक एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रांग बेस से करते हैं तो जस्ट अ मोमेंट. कभी किसी वीक एसिड का टाइट्रेशन किसी स्ट्रांग बेस से करते हैं तो हमेशा बफर सॉल्यूशंस बनते हैं. ऐसे वीक बेस का टाइट्रेशन स्ट्रांग एसिड से करेंगे तो भी बफर सॉल्यूशन बनेंगे. अगर एसिड जस्ट अ मोमेंट एक मिनट होल्ड करिएगा. जस्ट अ मोमेंट, आई नीड समथिंग टू चेक. आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, खत्म नहीं हुआ. लाइव क्लास कब खत्म होगी? थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में. लाइव क्लास विल बी कंटिन्यूड अराउंड 11:45 तक चलेगा. ओके, कैन समबडी शेयर द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप? एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां का, अगर कोई लिंक शेयर करता कर सकता है, somebody is asking for that link. हाँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. ये क्वेश्चन रह गया था, वीक बेस से HCl से टाइट्रेशन करोगे, BCl बनेगा और वाटर बनेगा. इसका मोल A मोल दिया हुआ है. जैसे जैसे टाइट्रेशन होता जाएगा, वीक बेस और उसके साल्ट का मिक्सचर बनता जाएगा एंड इट विल बी अ बेसिक बफर. तो याद रखिए, ऐसे ही मैं एक और बात यहां पे बता देता हूं. अगर मेरे पास एसिटिक एसिड होता और NaOH से टाइट्रेशन करते तो सोडियम एसिटेट बनता प्लस वाटर बनता. तो यहां पे जैसे जैसे एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन होते जाता, वैसे वैसे सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर बनता जाता, और इसकी वजह से एसिडिक बफर बनता. बेटा आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ, आपस में बात मत करो. तो जब भी किसी वीक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो हमेशा बफर बनता है टिल इक्विवेलेंस पॉइंट. जब भी किसी वीक बेस का टाइट्रेशन करते हैं तो बफर बनता है टिल इक्विवेलेंस पॉइंट. बात सिर्फ इतनी है कि जब वीक एसिड का टाइट्रेशन करेंगे तो एसिडिक बफर बनेगा, और वीक बेस का टाइट्रेशन करेंगे तो बेसिक बफर बनेगा. ये ध्यान रखने का है. तो चलिए इसको करते हैं. जब आप 5 ml डाल दोगे तो 5 ml एंड 0.1 मोलर इसका लिया है तो ये हो जाएगा A माइनस 0.5 और ये 0.5 बन जाएगा. नाउ कैन यू चेक इट्स अ बेसिक बफर. आई कैन अप्लाई द फार्मूला pH pOH इज इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ 0.5 अपॉन A माइनस 0.5. ऐसे जब आप 20 ml डालोगे तो यहां से A माइनस 2 हो जाएगा. 20 ml का मतलब 20 × 0.1 कहीं दिया हुआ है. HCl का मोलैरिटी 0.1 है, तो HCl के जो मिली मोल है
वो 20 × 0.1 से 2 हो जाएंगे, ये a माइनस 2 और ये 2 बन जाएगा। अब फिर से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 14 − 10.04 = PKb + log of 0.5 / a − 0.5। सेम वे वी कैन अप्लाई, जब आपने 20 ml ऐड किया तो pOH 14 − 9.14 = PKb + log of दिस टाइम इट इज 2 / a − 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैन यू ऑल डू इट नाउ? सब लोग को समझ में आ गई बात? यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करके नहीं दिया है, एक कंसेप्ट सिखाया है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड देयर ऑलवेज बी ए बफर सॉल्यूशन बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे एसिड कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, उस समय पूरा का पूरा एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी हैव टू अप्लाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसको मैं एक बार समराइज करूंगा आगे, लेकिन अभी इतना याद रखो, जब भी किसी वीक एसिड का टाइट्रेशन किसी स्ट्रांग बेस से करते हैं तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वी विल ऑलवेज हैव एन एसिडिक बफर। ऐसे वीक बेस का टाइट्रेशन स्ट्रांग एसिड से करेंगे तो बेसिक बफर बनेगा, राइट? ओके ओके फाइन, तो एक और क्वेश्चन करके दो। एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन pH values at 1/3, 1/3 या ऐसे लिख लें 1/3 and 2/3 stage of equivalence point। Yes, clear। एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन कराया है स्टैंडर्ड NaOH से, के ए यहां 1.18 × 10⁻¹⁵, पी के ले सकते हैं 4.74। एक बार ट्राई कीजिए, स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन से टाइट्रेशन कराया है। असाइनमेंट डिस्कस आज नहीं करेंगे विहान, असाइनमेंट काफी बच्चे इकट्ठे करना चाह रहे हैं, तो आई पहले मैं बता दूंगा कि किस दिन मैं असाइनमेंट डिस्कस करने वाला हूं, देन डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ और बच्चे जुड़े हुए हैं जो असाइनमेंट जिनको मिली नहीं थी। ठीक है, ओके, कमान बच्चों, राघव लिमिटिंग रिएजेंट में कल पढ़ाने वाला हूं 10 o'clock से। यदि आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है तो 10 o'clock से पढ़ सकते हैं, 10 to 11:30। आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। यस कमान, स्टैंडर्ड से मतलब है जिसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी फिक्स होती है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी फिक्स होती है। कल का देखेंगे यार, आज तो क्लास ले लें, कल का देखेंगे। 2 log 2, ओके। अथर्व चिल्वरकर 0.6, प्रश्न, ओके विहान 0.6 बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, लगता है आप लोग बिल्कुल परफेक्ट वाला कैलकुलेटर लेके बैठे हो। चलो बढ़िया, गुड 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 गुड, काफी लोगों का आंसर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। 1/3 स्टेज ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि 1/3 ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड,
जैसे मान लो ए मोल आपने लिया था, अगर 1/3 इसमें कन्वर्ट हो गया तो 2/3 बचा और ये 1/3 बन गया। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि इक्विवेलेंस पॉइंट जब तक नहीं आएगा हमेशा बफर बनेगा, तो यहां भी बफर बनेगा। तो आई कैन राइट पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ 1/3 a अपॉन 2/3 a। यहां से मुझे a कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ 1/2। ऐसे ही जब आप 2/3, ये तो हुआ 1/3 स्टेज का, 1/3 स्टेज का मतलब यही होता है कि 1/3 पोर्शन न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसे 2/3 स्टेज का मतलब होगा कि 2/3 न्यूट्रलाइज हो गया तो 1/3 a बचेगा और यहां 2/3 a बन जाएगा। तो pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ, इसको pH 1 लिख दिया, pH 2 इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, अगेन रख सकते हैं 2/3 a डिवाइडेड बाई 1/3 a, ए कैंसिल हो गया, अब pH 2 आ गया, पी के ए प्लस लॉग 2, डिफरेंस लेना है तो pH 2 माइनस pH 1 इज इक्वल टू पी के ए कैंसिल हो जाएगा, लॉग 2 माइनस लॉग हाफ। दिस इज गोइंग टू बी लॉग 2 माइनस प्लस लॉग 2 लिख लूं, बस यहीं पे छोड़ देता हूं आंसर। इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले भी एनएवएच पूरा खत्म होगा, एनएवएच हर पॉइंट पे खत्म होगा। देखो बेटा, टाइट्रेशन के दौरान एनएवएच ब्यूरेट में होता है, और जो ब्यूरेट में होता है वो सॉल्यूशन हर पॉइंट पे खत्म होता रहता है, सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। जब एनएवएच खत्म हो जाएगा तो रीडिंग नोट करते जाएंगे, और जिस समय एसिटिक एसिड भी खत्म हो जाएगी उस समय इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, खत्म होने की बात है। यस यस, लॉग 1 माइनस लॉग 2 लिख सकते हो सर, लॉग 1 माइनस लॉग 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख लो। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब वो जो भी लिखना यार, तुम लोग मैथमेटिकल गेम खेल लो, चलेगा, फाइन फाइन। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ट्राई टू सॉल्व इट इन टाइम। नहीं, खत्म होने से न्यूट्रल नहीं होगा, फिर मैं आपको समझा दूं, पिंक कलर अपीयर होगा, लेकिन इंडिकेटर इसके बाद है बेटा, इंडिकेटर पढ़ाऊंगा निरंजन। जब भी वीक एसिड स्ट्रांग बेस का टाइट्रेशन करेंगे ना, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे बेसिक सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन सिर्फ तब मिलता है जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का टाइट्रेशन करते हैं। ये मैं आपको पिछले हाइड्रोलिसिस वाली यूनिट में बताया था कि जब हम वीक एसिड स्ट्रांग बेस का टाइट्रेशन करेंगे तो हमें बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, जब हम वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का टाइट्रेशन करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे एसिडिक मिलेगा। ठीक है, और अगर हम स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का टाइट्रेशन करेंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन से हमेशा नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस होगा ना, बिल्कुल, केवल स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के टाइट्रेशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बाकी सब में होगा। वो कर्व भी बताऊंगा विहान, थोड़ा सा होल्ड करो अपनी जानकारी पे, अपनी नॉलेज पे थोड़ा सा काबू पर रखो, मैं वो सब बताऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaHS सॉल्यूशन, देखते हैं कौन ये करता है फटाक से। Ka1 इज इक्वल टू 10^-7, Ka2 इज इक्वल टू 10^-14 फॉर H2S, ट्राई ट्राई। कमान बच्चों, जल्दी से निकाल के बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। हेलो सुनीता, सुनीता आप कौन से बैच में हो, मैं पहचाना नहीं।
शायद आपका नाम सुनीता नहीं है, जो भी नाम है वो बता सकते हैं, नहीं है तो सुनीता ही हो सकता है। हेलो तो अच्छी बात है, ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, आईनी इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं। कमान ट्वेल्थ क्लास, अच्छा, ओके, आई होप यू आर इन विजेता बैच। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम रिवीजन चल रहा है, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप पढ़ना चाहते हो आयनिक तो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लेकिन मन लगा के पढ़ो तभी मजा आएगा। गुड नाइट, ओके, चलो। हाँ जी बताइए क्विक, 10.5, क्या बात है, 10.5, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, क्या बात है, मजा आ गया ये देख करके कि जिसने भी दिया सही आंसर दिया। व्हाट कंसेप्ट यू हैव अप्लाइड, अदिति बताइए व्हाट कंसेप्ट यू हैव अप्लाइड, 42/4, व्हाट कंसेप्ट यू हैव अप्लाइड, कमान 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 कमान, गुड आंसर, PKa1 प्लस PKa2/2, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एम्फीप्रोटिक, यस, ये मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे जानते हैं उनको तो ठीक है पता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो अच्छी तरीके से समझ लें एम्फीप्रोटिक का कंसेप्ट क्या है। तो मैं यहां पे हेडिंग डालिए पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायन, एम्फीप्रोटिक एनायन में जैसे एक ऐसा सॉल्ट हो गया NaHCO3, NaHS या Na2HPO4 या NaH2PO4 एटसेट्रा, ये सारे जो सॉल्ट मैंने लिए हैं इसके अंदर एम्फीप्रोटिक एनायन मौजूद है। ठीक है, तो अब अगर मुझे मान लीजिए केवल एक जनरल सॉल्ट ले लेता हूं, लेट से मेरे पास NaHA है, बस ध्यान रहे ये सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जिसका कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो, कैटायन की रिएक्शन पानी से नहीं हो लेकिन एनायन की रिएक्शन पानी से हो, यानी कैटायन आना चाहिए स्ट्रांग बेस से और एनायन हम ले सकते हैं किसी ऐसे एसिड से जो एम्फीप्रोटिक एनायन बनाता हो। तो कैन समबडी टेल मी व्हाट काइंड ऑफ फार्मूला वी नीड टू अप्लाई, कमान बच्चों मतलब कंसेप्ट क्या लगाएंगे, फार्मूला तो आपको डायरेक्ट रट्टा लगाए बैठे होंगे, कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं हम, किस कंसेप्ट के थ्रू हम निकाल रहे हैं क्राइटेरिया फॉर एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक एनायन वो होता है राघव, एम्फीप्रोटिक एनायन वो होता है जो प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका बाइकार्बोनेट एनायन है ये प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है, इट कैन एक्ट लाइक एन एसिड एज वेल एज बेस, तो ऐसे एनायन जो एसिड और बेस की तरह काम करते हैं वो एम्फीप्रोटिक एनायन होते हैं। कम ऑन कैन समबडी टेल मी, राधिका बताइए कंसेप्ट क्या लगाया आपने, फार्मूला तो आपने निकाल लिया कंसेप्ट क्या लगाया, ओके, आपने एम्फीप्रोटिक एनायन बाइकार्बोनेट आयन या बाइसल्फाइड आयन इसको आपने एसिड माना है कि बेस माना है, समबडी सेड हाइड्रोलिसिस लाइक वीक एसिड एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ओके हाइड्रोलिसिस, ओके हाइड्रोलिसिस, ओके ठीक है, ठीक तो नहीं है, आप केवल हाइड्रोलिसिस करा के तो फार्मूला नहीं निकाल सकते, यू पीपल मस्ट नो कि ये फार्मूला का ओरिजिन क्या है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला याद रखना तो अपनी जगह है, ओके देखिए क्योंकि ये एक एसिड और बेस दोनों है, ये एक एसिड और बेस दोनों है, तो मैं इन जनरल लिख सकता हूं HA- प्लस H2O
चेंजिंग इनटू H2A+OH आयन, एक तो इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है पानी में, एक मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया, यस एसिड आल्सो, और एक मैं इसका डिसोसिएशन भी करा दिया, HA चेंजिंग इनटू H++A2-. अगर मैं यहां से लिखूं तो Kw upon Ka1 = H2A into OH ion divided by HA-, एंड यहां से Ka2 में लिख सकता हूं दैट इज H+ into A2- divided by HA-. ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को साथ में लेके चलना पड़ेगा, केवल अकेला एसिड का रिएक्शन या बेस का रिएक्शन पीएच नहीं दे सकता, इट इज साइमल्टेनियस कह सकते हैं, बिकॉज वन इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली मेकिंग द इफेक्ट ऑन अदर, इसलिए पीएच दोनों रिएक्शन कंट्रोल करेंगे। तो हम यहां से चाहेंगे कि ये इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम के एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालें। तो एक बात ये समझ ले हम लोग कि वो कौन सा कंसेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं जिससे पीएच अपना निकलेगा। वो कंसेप्ट ये लगाने वाले हैं जिसके इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन दिस हाइड्रोलिसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टू एसिड इज 50-50 इज नॉट करेक्ट, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि 50-50 होता है। लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे यहां से मान लो x गया इसमें तो ये x बना, यहां से मान लीजिए इसमें y गया तो ये y बना, x और y लगभग बराबर होंगे। यू मैं कह सकता हूं कि जो H2A बनता है वही ऑलमोस्ट A2- बनता है। द फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शंस ऑलमोस्ट हैव इक्वल एक्सटेंट, पहली और दूसरी रिएक्शन लगभग सेम एक्सटेंट पे चलती है, राइट। कंसेप्ट यहां पे ये है कि फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन का एक्सटेंट सेम होता है, ऑलमोस्ट जितना परसेंट हाइड्रोलाइज होता है उतना ही परसेंट डिसोसिएट हो सकता है। कैन समबडी टेल मी व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है, ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो वैल्यू डिफरेंट है, और ये जो Ka2 है ये डिफरेंट है, उसके बावजूद भी मैं दोनों का एक्सटेंट सेम ले रहा हूं। यस एनीवन, KH व्हिच इज डिफाइंड GRP, ओके। कैन समबडी टेल मी व्हाई आई एम टेकिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम इन बोथ द रिएक्शंस। कम ऑन बच्चों, वाटर का इक्विलिब्रियम, ओके। एक बात मैंने लास्ट सेक्शन में जब हाइड्रोलिसिस आप लोगों ने पढ़ी थी तो सिखाया था कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू रिएक्शन वी विल हैव अनदर रिएक्शन, H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन आपस में होके H2O बनता है, और इसका जो K वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी 10^14। ये मैंने हाइड्रोलिसिस के दौरान सिखाया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड रिएक्शन इन क्वेश्चंस का या इन कॉन्सेप्ट्स का ओलंपियाड KBPY में बहुत इंपॉर्टेंट लेवलिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वी डोंट कॉल दिस एग्जैक्टली लेवलिंग इफेक्ट, बट हाँ वैसा कुछ होता है। तो ये थर्ड रिएक्शन है, यहाँ पे HN OHN के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर OHN HN के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों का एक्सटेंट लगभग बराबर है, क्योंकि दोनों इनफैक्ट ये जो थर्ड रिएक्शन है जिसका K का वैल्यू बहुत हाई है, दिस इज मेकिंग द टू रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलमोस्ट एट द इक्वल रेट। तो इट इज बिकॉज ऑफ द थर्ड रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन कम्स टू ऑलमोस्ट इक्वल रेट, रिमेंबर ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, अनकॉमन एंड इफेक्ट बोल सकते हैं। कभी अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो कि इन दोनों का रेट एग्जैक्टली बराबर है तो गलत होगा, क्योंकि इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आइडेंटिकल नहीं है, बट यस इन दोनों का एक्सटेंट ऑलमोस्ट बराबर है। अगर ये ऑलमोस्ट बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं से लिख सकता हूं कि H2A इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A2-. अब कहने को तो ये भी कह सकते हो आप कि OH- मस्ट बी इक्वल टू HN, और अगर आपने OHN और HN को बराबर कर दिया तो फिर तो pH 7 हो गया, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन HN एंड OHN आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इसलिए pH की कुछ वैल्यू रहती है अदर देन 7, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन से H2A निकाल लो, H2A कितना होगा, Kw upon Ka1 into HA-
इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू, यहां से ए टू माइनस निकाल लो, के ए टू इंटू एच ए माइनस डिवाइडेड बाई एच प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब अगर ये कैंसिल हो गया तो मुझे एग्जैक्टली क्या मिलेगा एच प्लस, जस्ट चेक, एच टू ए इज इक्वल टू, एच टू ए मैंने निकाला है फर्स्ट रिएक्शन से और एच टू ए आया है के डब्ल्यू इंटू एच माइनस अपॉन के ए वन। ओके, ये ओ एच आयन एक्चुअली नीचे आएगा, ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है, शायद किसी ने पहचान लिया। यस यस, आई एम सॉरी। तो एंड के डब्ल्यू अपॉन ओ एच आयन कैन बी रिटन एज एच आयन, तो दिस एच आयन और दिस एच आयन स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन इंटू के ए टू, तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल स्क्वायर रूट के ए वन इंटू के ए टू। तो पीएच यहां से निकालेंगे, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के ए वन प्लस पी के ए टू। ये बड़ा मजेदार फार्मूला है, इसका ऑर्गेनिक में पता आपको, इसका ऑर्गेनिक में कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई द थर्ड रिएक्शन बोथ रिएक्शंस कम्स टू, अरे यार पहले पूछा होता। देखो आप, आपके पास अगर लिखी हो नहीं तो माइंड में रिकॉल करो कि थर्ड रिएक्शन का जो एक्सटेंट है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो बहुत बड़ा है। लालू यादव आपके लिए, थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है और फर्स्ट सेकंड का बहुत छोटा है, एंड थर्ड रिएक्शन में H+ और OH- यूज हो रहे हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में बन रहे हैं, तो द थर्ड रिएक्शन विल स्पीड अप फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन बाय कंज्यूमिंग दैट HN एंड OH-। पहली रिएक्शन में जो HN बन रहा है, सेकंड रिएक्शन में जो OH- बन रहा है, वो दोनों थर्ड रिएक्शन में जाके कंज्यूम हो रहे हैं, राइट? तो क्योंकि थर्ड रिएक्शन में कंजम्पशन हो रहा है बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे, तो द थर्ड रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली स्पीड अप द फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन एंड इट ब्रिंग द टू रिएक्शंस ऑलमोस्ट एट इक्वल रेट, एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट बराबर के रेट पे आ जाएगा, फाइन। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, मैं आपको ये बता रहा था कि ये फार्मूला ऑर्गेनिक में बड़ा काम आता है, जब आप बायो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर अमीनो एसिड में पॉइंट पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वहां पे बहुत काम में आता है ये एच प्लस स्क्वायर कैसे आया, कैन यू एक्सप्लेन। ये देखो ना बेटा, ये के डब्ल्यू अपॉन ओ एच आयन को मैंने एच प्लस लिख दिया, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, के डब्ल्यू अपॉन के ए वन अपॉन के ए वन इंटू के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस इज इक्वल टू के ए टू अपॉन एच प्लस। नाउ यू कैन चेक के डब्ल्यू अपॉन ओ एच आयन इज एच प्लस, तो ये एच प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन के ए टू हो गया, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन के ए टू हुआ। इस सिंपल मैनिपुलेशन है, कुछ खास बात नहीं है, आप कर लोगे, आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस फार्मूला का बहुत एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम लोग अमीनो एसिड के अंदर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं ना, तो इसी प्रकार की कंसेप्ट वहाँ काम में आती है, ठीक है। तो अब एक और बात यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती है, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो एक और दिक्कत आती है सॉल्व करते वक्त, क्या कि जैसे अगर हमारे पास डाई बेसिक एसिड हो तब तो उसमें के ए वन एंड के ए टू ही होता है, तो वहाँ पर उसका एम्फीप्रोटिक एनायन जो होता है वहां पे तो पी के वन प्लस पी के टू बाई टू लगा देते हैं, इजी है। बट मान लीजिए कोई ट्राई बेसिक एसिड हो, तो जैसे मान लो आपके पास एच टू सी ओ थ्री है, तो इसमें तो एक ही एम्फी प्रोटिक एनायन का सॉल्ट बनेगा, तो इसके लिए पीएच तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं पी के वन प्लस पी के टू बाई टू हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्राई बेसिक एसिड होता एच थ्री पी ओ फोर, तो इससे मुझे दो ऐसे सॉल्ट मिलते, एक तो NaH2PO4 और एक Na2HPO4। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या फार्मूला लगाऊं मैं? आप व्हाट फार्मूला आई शुड अप्लाई? कुंडा का पिछला गेट, वेरी गुड, कुंडा का ओके ओके, व्हाटएवर, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखो
यदि जो कंसेप्ट आपने पढ़ी है यदि उसमें आप घुस के देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा लगाना है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, ऐसे समझेंगे जो एनायन है यहाँ पे, एक तो उसका के आएगा, लाइक यहाँ बाइकार्बोनेट है और उसका पीछे वाला के आता है, यस पिछला के आएगा। एक जो एनायन खुद है उसका के और एक इसका पीछे का के। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर जो एनायन है वो तो H2PO4- है, इसका मतलब इसमें से एक प्रोटॉन निकला है, अब सेकेंड वाला प्रोटॉन निकलेगा, तो सेकेंड वाला प्रोटॉन निकलेगा यानी PKa2 हो गया, और एक पीछे वाले पे जाएंगे तो PKa1 हो गया। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा PKa1 प्लस PKa2/2 एंड HPO4 2- में आप लिख सकते हैं PKa2 प्लस PKa3/2। Am I audible? I hope I am audible now. आवाज आई, गई, आई नहीं, आ गई होगी, come on. आई 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 yes, आई 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 okay, fine. चलो तो करना क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो एनायन होता है ना उस एनायन का के, फ्रीज 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 फ्रीज, सेल्फी मोड, क्यों हो गया, मुझे तो सब सुनाई दे रहा है। आई होप नाउ इट्स ओके, फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यस 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 ओके, यस यस। चलो हाँ, तो सिंपली मैं ये कह रहा था कि जो एनायन है उसका के लेना है और उसका पिछले वाला के लेना है, ठीक है। क्यों ना इसको ऐसे समझ लें कि अगर यहां वन एनायन है तो 1+2/2 होगा, अगर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है तो 1+2/2 होगा, अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो 2+3/2 होगा। जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, इज इट फाइन, इज इट फाइन, वी आर कनेक्टेड, ओके 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 कूल, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस
कि अगर वन नेगेटिव चार्ज होगा तो वन प्लस टू बाई टू होगा, और दो नेगेटिव चार्ज होगा तो टू प्लस थ्री बाई टू होगा. जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस. अगर किसी एनायन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा तो पीके वन प्लस पीके टू बाई टू, और अगर दो नेगेटिव चार्ज होगा तो पीके टू प्लस पीके थ्री बाई टू. जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस, राइट. तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. अब वो क्वेश्चन जो हमने दिया था वो तो सबने कर लिया होगा. एक और यूनिक बात मैं इसके बारे में बता दूं, यू कैन चेक. हिमांशु ये क्वेश्चन मत पूछो यार पब्लिक में, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो, आई विल रिप्लाई, बट एट पब्लिक प्लेटफॉर्म आई डोंट वांट टू एंटरटेन दीज क्वेश्चंस, प्लीज. हाँ तो चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में NaHS दिया हुआ था. मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल बात बताने वाला था. एडिशनल बात क्या है, देखो इस फार्मूला में C नहीं आ रहा है. यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म. व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स इफ यू डाइल्यूट सच सॉल्यूशंस पीएच विल नॉट चेंज. That means if you keep diluting such solution, pH will not change. Means pH of any solution containing amphiprotic anion remain constant. Just remember, ये Olympiad, KBPY, NSCC इन टाइप के एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह है. कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और छोटे नहीं बड़े बड़े साइज के क्वेश्चन आए हुए हैं. छोटी सी कंसेप्ट कभी कभी, और आयनिक में जो ओलंपियाड के पेपर्स में, स्पेशली नेशनल ओलंपियाड में जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, आनी का बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है. अगर कंसेप्ट आपको बढ़िया है ना तो मजा आ जाता है करने में उसको. और एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन या फिर तीन क्वेश्चन कर लो तो आपकी जिंदगी समझ लो सफल हो गई. नेशनल ओलंपियाड इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मिलेगा जरूर वहां किसी ना किसी फॉर्मेट में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो डाइल्यूट करने पर पीएच चेंज नहीं होता है, इतनी सी बात है. तो सारी बातें मैंने एम्फीप्रोटिक से रिलेटेड बता दी. तो अब आपका क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू पीके वन प्लस पीके टू बाई टू, दैट इज 7 प्लस 14 बाई टू, तो ये हो गया 10.5. क्लियर? कराऊंगा अभिहान, बिल्कुल कराऊंगा. आई एम डेस्परेट टू डू इट, बट लेट मी गिव सम टाइम. एनाकोंडा एनकोलॉजिया लैग. ओके फाइन. अभी क्या फॉर्मेट रहेगा ओलंपियाड की एप्लीकेशन का, लेट दैट कम. वो जुलाई अगस्त में आएगा, अभी वेट करते हैं. एंड देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग इट डिलेड. चलो बच्चों, हाँ बिल्कुल करेंगे लालू जी, बिल्कुल करेंगे. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए. क्वेश्चन 0.1 मोलर 20 ml Na2CO3 सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड against 0.1 molar HCl solution. Calculate the pH. I think board is visible to all of you. Yes. Okay. Calculate the pH when following volume of HCl are added. Number 1, 10 ml. Number 2, 20 ml. Number 3, 30 ml. Number 4, 40 ml. H2CO3 ka Ka1 Ka1 is equal to 10 raised to the power minus 8. Ka2 is equal to 10 raised to the power minus 11. Try. Anaconda.
कम ऑन ट्राई। क्विक आंसर। Okay. Okay, let me check. Sir, class में you had, class में यार ऐसे क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, मैं क्लास में क्या कराया हूं। आप तो भूल जाओ मैंने क्लास में कुछ कराया है। क्लास नोट्स बिल्कुल मत देखो आप लोग, फायदा नहीं होगा। You just do it on your own. Please don't copy the notes. Concept को recall करने का तो process हम लोग कर रहे हैं। If somebody copy the question and paste the answers, then no use. But I have actually changed the data. I generally change the data in one question or other. तो आपको करना चाहिए concept. Okay. कम ऑन बच्चों, ओके बट नॉट लुकिंग ओके। चलो तो करें क्वेश्चन, आई जस्ट रिमेम्बर्ड, ओके नो प्रॉब्लम। आई होप कि आप लोग कर लेंगे, कंसेप्ट आप कर लेंगे, बस थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जल्दी से कीजिए और आंसर बताइए। अंशिका अग्रवाल, अंशिका ओके यू आर देयर, आई थॉट यू नॉट देयर टुडे, आई वाज जस्ट थिंकिंग। 8.3 पहला आंसर है बेटा, ओके। अनो देशमुख सेकेंड 9.5, ओके चलो और बताओ, फटाफट बताओ, तीसरा और चौथा भी बता दो। पहला somebody has told me 9.5, दूसरा किस नहीं, पहला मुझे किसी ने बताया 8.3, दूसरा 9.5, come on, third and fourth ही बता दो। PK1 उसमें करना है या PK2, अभी तक डाउट है बफर में। अब मैं बताता हूँ एसिड का PK यूज होता है, बस एसिड कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि PK1 या PK2। रुद्रा ओके, थर्ड किसी ने नहीं बताया, बताओ ना बेटा थर्ड। यस कम ऑन थर्ड कम ऑन थर्ड एट ओके। चलो हम करते हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl से होगी तो सबसे पहले NaHCO3 बनेगा, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट तब आएगा जब NaHCO3 बनेगा, राइट। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट 20 ml 0.1, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट तब आएगा HCl से रिएक्शन होके जब Na2CO3 बनेगा। ये मेरे पास है 0.1 मोलर एंड 20 ml, दिस इज गोइंग टू बी 2 मिलीमोल, ठीक है, ये 2 मिलीमोल है। अब अगर आपने HCl की मोलैरिटी भी 0.1 है, अगर आपने 10 ml डाला और ये 0.1 है, इसका मतलब 1 मिलीमोल डाला, दो ये था एक आपने इसका डाला, तो HCl खत्म, ये 1 बचा। व्हाट काइंड ऑफ फार्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई,
what kind of formula? This is called as midpoint of first equivalence point. Can you understand? ये है first equivalence point और ये है second equivalence point. तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे NaHCO3 बनता है, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे Na2CO3 बनता है, और यहां आधा न्यूट्रलाइज हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट है तो ये बफर सॉल्यूशन बन जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी बफर सॉल्यूशन. बफर में एसिड ये है और उसका सॉल्ट ये है. तो एसिड अगर ये है तो Ka कौन सा होगा? pKa2. तो फर्स्ट पॉइंट पे जो हम बफर बनाएंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं pH = pKa2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस. तो ये खत्म हो गया, pH = pKa2 यानी कि 11 आ गया. तो फर्स्ट आंसर इज 11. आई थिंक फर्स्ट आंसर काफी लोगों का गलत है. फर्स्ट आंसर काफी लोगों ने 8.2 समथिंग लाइक इस तरह का कुछ आंसर दिया था. 11 बिल्कुल सही है त्रिवेदी जी. 11 इज द करेक्ट आंसर. यस 11 इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट का आंसर 11 करेक्ट है. बाकी बच्चे समझें, जब हमने 20 ml डाला, ध्यान से समझिए, 20 ml डालने पर अगर इसमें 20 ml डाल दें तो ये भी 2 है और ये भी 2 हो जाएगा. तो जब 20 ml डालोगे तो 20 ml डालने पर पूरा का पूरा जो Na2CO3 था, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू NaHCO3, क्योंकि ये 2 मिलीमोल है, ये भी 2 मिलीमोल डालोगे तो कंप्लीट रिएक्शन होके NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर पीके फंडा में क्या प्रॉब्लम है निरंजन भाई? पीके टू इसलिए क्योंकि ये जो बफर बना ना, ऐसे समझो आप, जो बफर बना NaHCO3 प्लस Na2CO3, ये एक बफर सॉल्यूशन है. ये 1:1 लिया है, बफर सॉल्यूशन है. इसमें एसिड कंपोनेंट कौन सा है राघव? एसिड कंपोनेंट कौन सा है इन द मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3? विच वन विल एक्ट एज एन एसिड? Come on, in the mixture containing HCO3-, very good. Yani NaHCO3 will act like an acid. And can you tell me NaHCO3 ka Ka kaun sa Ka loge? Ka1 ya Ka2? Come on. Ka1 bol rahe yaar. Shyam, Shumam, kya naam? Ka2 HCO3 माइनस में एक H प्लस निकल के, ऑलरेडी एक H प्लस निकलने के बाद HCO3 माइनस बनता है ना बेटा. तो इट इज Ka2 नॉट Ka1. तो सिंपली ये जो बफर था जिसके अंदर एसिड और सॉल्ट कंपोनेंट बराबर है, तो pH = pKa2 प्लस लॉग 1/1 कर लिया. राइट, गॉट इट, ओके. अब जब आपने इसका भी 20 ml ले लिया, इसका भी 20 ml ले लिया, दोनों की मोलैरिटी बराबर है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होके इस वाले स्टेज पे आ गए, फर्स्ट इक्विवेलेंस की स्टेज पे आ गए. व्हेन यू ऐड 20 ml ऑफ HCl 0.1 मोलर इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ml 0.1 मोलर, देन वी विल बी रीचिंग एट दिस स्टेज. और आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन का pH फिक्स होता है, तो यहां पे हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? pKa1 प्लस pKa2/2, pH = pKa1 प्लस pKa2/2, एंड pKa1 है 8, pKa2 है 11, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 9.5, राइट? Ka2 यूज होगा एट सेकेंड, यस यस, दैट्स फाइन. तो हम दो पोर्शन कर चुके हैं, 20 ml और 10 ml वाला कर लिए. अब आप थर्ड देखिए, अब जरा मेरी बात अच्छे से समझना. अगर हम 30 ml लेते हैं तो आउट ऑफ 30 ml 20 ml विल बी यूटिलाइज इन द फर्स्ट स्टेप. इस वाले स्टेप में 20 ml यूज हो जाएगा, बचेगा तो 10 ml वो इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट करेगा. अब आप देखो कि अगर मैं टोटल 30 ml ले लूं तो क्या आएगा?
30 ml लेने पर 20 ml तो यहाँ यूज हुआ, अब ये 2 mmol बन गया और ये 10 ml लिया बचा, मतलब आउट ऑफ 30 10 यहाँ 20 यहाँ यूज हो गया तो 10 यहाँ बचा, तो 10 × 0.1 यानी 1 mmol आपने HCl लिया, ठीक है। अगर 1 mmol HCl लिया तो ये इसका 1 mmol रिएक्ट कर जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बनेगा, क्लियर। ये H2CO3 है, गलती से मिसप्रिंट हो गया था, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये H2CO3 है, प्लीज मेक इट करेक्ट। तो NaH, नाउ वी हैव अ मिक्सचर कंटेनिंग NaHCO3 एंड H2CO3, हाउ शुड आई ट्रीट इट लाइक, कम ऑन बच्चों, नाउ यस बफर सॉल्यूशन, शुड आई ट्रीट इट एसिडिक बफर और बेसिक बफर, should I treat it acidic buffer or basic buffer? Acidic buffer. Acidic buffer. Acidic buffer. Acidic buffer. Okay. Yes, acidic buffer. Acid है, acid है और उसका conjugate base है, acidic buffer हो गया। तो मैं buffer का formula लगाऊंगा, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि buffer का formula लगाते वक्त जब हम pH is equal to pKa plus log of सॉल्ट अपॉन एसिड 1/1 लेंगे तो यहां कौन सा पीके लगाऊं, पीके 2 या पीके 1, जरा पीके बताओ फटाक से, विच पीके मस्ट बी यूज इन दिस पार्ट। मिश्रा जी पीके 1, हंसिका नहीं, मिस इट्स पीके 1। नाउ वी हैव अ बफर कंटेनिंग व्हाट, H2CO3 plus NaHCO3, H2CO3 जो H2CO3 है जो H2CO3 है उसका K का मतलब K1 है ना, एसिड कंपोनेंट इन दिस पार्ट इज H2CO3, बेस कंपोनेंट इज NaHCO3, ठीक है, यस यस। चलो तो इस बार हमें पीके 1 यूज करना है, तो पीएच इज इक्वल टू पीके 1 यानी कि 8 वैल्यू यूज हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट और अपने को करना है, लेट मी सी हु कैन डू, कौन आठवां कर सकता है। दिस टाइम आई हैव पुट टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 ml, अगर 40 ml ऐड कर दें, इसलिए pKa1 ऋषभ, क्योंकि जो एसिड है वो H2CO3 है, अगर कोई ऐसे जनरल डाइबेसिक एसिड का Ka बोलता है तो फर्स्ट Ka होता है, ऐसे HCO3 माइनस होता तो वो सेकेंड Ka हो जाता उसके लिए K, तो व्हेनेवर डाइबेसिक एसिड का Ka इज रिटन इट इज Ka1, ठीक है, इसलिए क्योंकि H2CO3 फर्स्ट स्टेप डिसोसिएट होकर के Ka1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसलिए यहां पे pKa1 यूज होगा। नॉट गेटिंग इट हंडा, ओके 60 लिया, नेट वॉल्यूम 60 लिया, ओके ओके फाइन, यस कम ऑन, लास्ट पार्ट का आंसर कौन मुझे देगा जल्दी से, ओके बच्चों जल्दी बताओ, 20 ml के लिए pKa1 plus pKa2 by 2 क्यों होगा, इसलिए क्योंकि 20 ml पे पूरा का पूरा Na2CO3 NaHCO3 में बदल जाएगा और NaHCO3, थैंक यू शाहरुख खान साहब, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कह रहा था 20 ml में जब आपने 20 ml ऐड किया है तो कंप्लीटली जो आपका H2CO3 था, सॉरी Na2CO3 था, वो NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, एंड NaHCO3 इज एन एम्फीप्रोटिक एनायन, देयरफॉर आई कैन राइट pH इज इक्वल pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। आई थिंक पाठक जी समझ गए होंगे आप, फाइन, कैन समबडी टेल मी द आंसर ऑफ लास्ट वन, 4.7 बताया किसी ने,
अंडरस्टूड। ओके पाठक जी, कुछ लोग 3.26 बता रहे हैं, कुछ लोग 4.7 बता रहे हैं, देखते हैं कि किसका सही होता है। ओके, लेट मी शो माई टैलेंट, लेट मी टेक अप दिस क्वेश्चन। ओके देखो, अगर आपने टोटल 40 ml डाल दिया तो 20 ml तो यहां बट गया, और जो 20 ml था वो यहां बट गया, यानी कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन यहां तक पहुंच गया। ये मैंने लिया था 2 मिलीमोल, तो ये बन गया 2 मिलीमोल, ठीक है। H2CO3 2 मिलीमोल बना। अब जो H2CO3 2 मिलीमोल बना है, अब ये वीक डाइबेसिक एसिड है, और वीक डाइबेसिक एसिड में हमें इसका पीएच निकालते वक्त क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, 2 बाई 60, इसलिए क्योंकि 2 मिलीमोल तो एसिड बना है और टोटल टोटल 60 मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और 60 इसलिए क्योंकि 40 तो आपने HCl डाला है एंड 20 तो इनिशियल सॉल्यूशन था Na2CO3 का, एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो H2CO3 का आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। नाउ इफ यू कैन रिकॉल, कभी भी डाइबेसिक एसिड का पीएच निकालना हो, स्पेशली जब अल्फा नेग्लिजिबल हो, तो हम लोग इसे मोनोबेसिक एसिड मान लेते हैं और इसका के वन ले लेते हैं। तो कैन वी डायरेक्टली राइट पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके ए वन माइनस लॉग सी। पीके ए वन है 8 एंड लॉग सी का मतलब लॉग 2 बाई 60। यहां से आंसर निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा 7 से कम आएगा क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अरे तुम लोग क्या ऑफेंसिव हो रहे हो भाई, शांत रह के बैठो, नहीं फोन में घुस के घूसा मारेंगे, नाक टूट जाएगी तुम लोग की। इफ 39.9 ml टेकन व्हाट विल हैपन, इफ 39.9 ml टेकन व्हाट हैपेंस, इफ 39.9 ml टेकन, निरंजन अगर 39.9 ml लेंगे तो वही होगा जो 30 ml पे हुआ था, यानी यू विल गेट अ बफर कंटेनिंग H2CO3 एंड NaHCO3। हालांकि उसकी बफरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, ओके एक बार बता देता हूं मैं दोबारा से। जब आपने 40 ml डाला, इसका 2 मिलीमोल था, अगर इस पूरी रिएक्शन को मैं ऐड कर लूं तो क्या मिलेगा, इस 40 ml में से 20 ml लेकर के रिएक्शन यहां तक पहुंची, और फर्दर जो 20 ml था वो रिएक्शन लेके यहां तक पहुंची, क्योंकि इसका 0.1 मोलैरिटी है ना, तो इसका 2 मिलीमोल है, इसका भी 2 मिलीमोल लोगे तो यहां आ जाएगा रिएक्शन, ये 2 मिलीमोल बन गया। अब फिर से अगर इसका 2 मिलीमोल लोगे 1:1 रेशियो में तो ये 2 मिलीमोल बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप 40 ml डाल दोगे तो रिएक्शन फाइनली Na2CO3 विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू H2CO3। नाउ यू हैव अ डाइबेसिक एसिड, ओके नाउ यू हैव अ डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, 2 मिलीमोल डाइबेसिक एसिड बना है, 60 ml इसका टोटल वॉल्यूम आ गया। तो 2 / 60 बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन, बताता हूं हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ, 2 / 60 इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और डाइबेसिक एसिड को हम मोनोबेसिक एसिड मानते हुए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। नो सॉल्युबिलिटी, नहीं अभी तो इंडिकेटर भी बाकी है बेटा, इट विल टेक 2 मोर लेक्चर्स एटलीस्ट, आयनिक है बेटा, मजाक नहीं है, बहुत समय लगता है। तो समबडी हैज आस्क्ड कि हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगा, किसी ने क्या लिखा है तुम लोगों ने यार, किसी ने मुझसे पूछा था कि हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगा, पाठक जी बताएंगे क्या यहां पे हाइड्रोलिसिस क्यों कंसिडर नहीं किया मैंने। पाठक जी हमारी बात पे ध्यान दीजिए, व्हाई आई हैव नॉट कंसिडर्ड हाइड्रोलिसिस इन दिस केस, इफ यू एड Na2CO3 इन वाटर, इंडिकेटर तक शायद नहीं पहुंचेंगे बट कोशिश करेंगे टच करने की, अगली क्लास में इंडिकेटर कंप्लीट करेंगे
और उसके बाद सॉल्व, इट विल टेक टू मोर क्लासेस एटलीस्ट, टू टू थ्री मोर क्लासेस। त्रिवेदी जी, हाँ हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का होता है, तो शुरू में सॉल्ट लिया है ना, सॉल्ट होना चाहिए, है ना सॉल्ट, Na2CO3 भी सॉल्ट है और किसी ने मुझे बताया नहीं, तुम लोग आपस में ही बातें करे जा रहे हो यार, कम ऑन। ओके लेट मी टेल यू, ज्यादा तुम लोग बात कर रहे हो, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि शुरुआत में PK1 क्यों लिया, समबड़ी आज पास PK1 ही तो होगा यार, कितनी बार बताया PK1, तुम लोग पी के बैठे हो मुझे लग रहा है। पाठक जी स्पैमिंग कर रहे हो, H2CO3 का जो Ka है वो Ka1 होता है बच्चों, आप लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो। चलो तुम लोग अपना डिस्कशन बंद करो, बंद बंद बंद, अपना डिस्कशन बंद करो। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि यहां हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है, मैं जवाब देता हूं, तुम लोगों ने अपना पूरा टैलेंट दिखा के रख दिया यहां पे। सोडियम कार्बोनेट शुरू में है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन क्या कोई मुझे समझा सकता है जब सोडियम कार्बोनेट के सामने, मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो, एक दूसरे के जवाब देने में लगे रहोगे तुम्हें मेरी कोई बात नहीं समझ में आएगी। ऐसे समझ लो, एक बार आपके पास कार्बोनेट आयन है, उसके सामने दो चीजें रखी हुई हैं, एक तो पानी और एक HCl, तो किससे रिएक्ट करेगा, पानी से या HCl से, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि किसी के सामने अपनी मनपसंद डिश रखी हुई है वो खाएगा या नॉर्मल रोटी सब्जी खाएगा, क्या खाएगा, क्विक HCl 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 HCl, क्या बात है, गुड HCl। इसलिए बिकॉज HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और Na2CO3 के दोनों खाएगा, HCl खा के पानी पी लेगा, ये बोल रहे हैं जिसने दोनों लिखा है, कौन लिखा है जरा मैं देखूं तो सही, किरा, किरा का कहना है, किरा अमय है, अमय, अमय का कहना है कि HCl खा करके पानी पी लेगा, वही टंबा तांबा सही कह रहे हैं पाठक जी, जब HCl आपके पास है एसिड बेस रिएक्शन इज एक्सट्रीमली फास्ट, तो जब HCl है तो HCl का पहला हक बनता है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने का, ठीक है, जब तक HCl रहेगी पानी से रिएक्शन का कोई सेंस नहीं है, और वैसे भी एक्वस सॉल्यूशन पे तो सारी रिएक्शन ही हैं, तो पानी और HCl क्या सब मोह माया है, डोंट वरी, पनीर बटर मसाला, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ूं। अब हम लोग BC करेंगे, BC stands for buffer capacity, buffer capacity, buffer capacity होता है अब यार तुम लोग एक दूसरे के मैसेज पढ़ते रहोगे या हम हमारे साथ BC करोगे, ये डिसाइड कर लो, तुम लोग को एक दूसरे के मैसेज का रिप्लाई करना है कि हमारे साथ आपस में BC करना है या हमसे BC करना है, यू डिसाइड, आपस में BC करना है तो फिर कर लो, मैं बैठ के यहाँ पे तुम लोग का BC देखता हूँ या हमारा BC देख लो तुम लोग। लालू जी कंटिन्यू,
बीसी करेंगे हमारे साथ। यस 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 ओके चलो। बफर कैपेसिटी, कैन समबडी टेल मी द डेफिनेशन ऑफ बफर कैपेसिटी? एनी लेडीज और जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैन समबडी टेल मी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बफर कैपेसिटी? यस कम ऑन, बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन क्विक। नहीं बता रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस टू बी एडेड बफर चेंज ऑफ पीएच बाय यूनिटी, ओके। मोल ऑफ एसिड नीडेड टू चेंज बाय यूनिटी, ओके। डिफाइंड एज दिस डिवाइडेड बाय दिस, व्हाट इज दिस? ओके, एक्सटेंड टू रेजिस्ट द पीएच चेंज, ओके। नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस दिस एच प्लस रिक्वायर्ड, फाइन, सबका सही है। बफर कैपेसिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच प्लस और ओ एच आयंस रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय यूनिटी। किसी बफर सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में इतना एच आयन या ओएच आयन डाल दें ताकि उसका पीएच यूनिट एक्सटेंट तक चेंज हो जाए, उसे कहते हैं बफर कैपेसिटी। यानी बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आयंस और ओएच आयंस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं dx डिवाइडेड बाय dpH, वेयर x इज द dx इज द स्मॉल चेंज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एच आयन और ओ एच आयन एडेड, एंड dpH इज द स्मॉल चेंज इन pH। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्रिंसिपली अंडरस्टैंड कि BC कैसे करते हैं। बाकी तो आप लोग भली भांति समझते हो कि BC कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल टर्म में BC का क्या मतलब होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बफर सॉल्यूशन है CH3COOH प्लस CH3COONa, इसके A मोल है, इसके B मोल है। इसका मुझे बफर कैपेसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। तो किसी के पास नोट सोर्स पड़े हों तो उसको हटा दो, विल हैव टू फाइंड आउट हाउ द फार्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी इज डिराइव्ड। अगर मैं इसका पीएच लिखता हूं तो पीकेए प्लस लॉग ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, इक्वेशन वन लिख दिया। व्हेन स्मॉल अमाउंट एक्स मोल एच प्लस आर एडेड, अगर इस बफर सॉल्यूशन में एच प्लस का क्वांटिटी एक्स मोल ले लें और एड कर दें, व्हाट विल बी द न्यू पीएच? कैन समबडी टेल मी? कैन समबडी टेल मी व्हाट विल बी द न्यू पीएच इफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्स मोल ऑफ एच प्लस इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन? क्विक आंसर। कमान बातम चीतम, नो चेंज। अरे बेटा जितना भी चेंज होता है वो बताना है, क्या कर रहे हो तुम लोग? मान लीजिए एक्स बहुत स्मॉल नहीं है, सिग्निफिकेंट है। अब बताओ, लेट एक्स इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, नॉट वेरी स्मॉल, एक्स इज सिग्निफिकेंट अमाउंट विच कैन चेंज द पीएच। यस, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि कभी अगर आप एसिडिक बफर में एच आयन डालते हो तो एग्जैक्टली रिएक्शन कैसे होती है। देखो, जब आप इसमें एच प्लस डालोगे तो सोडियम एसिटेट विल रिएक्ट विद दैट एच प्लस टू फॉर्म CH3COOH प्लस Na प्लस। ये मैंने लिया था A, ये मैंने लिया था B, ये डाला X, ये बचा B माइनस X, ये बन गया A प्लस X, ये पकड़ने का। नाउ
बाय एडिशन ऑफ एक्स मोल ऑफ एच प्लस न्यू पीएच। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो आप कि अगर मैं इसमें किसी भी बफर में स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, जैसा भी क्वांटिटी हो, अगर H प्लस या OH माइनस डाल के पीएच निकलवाना हो तो कैसे निकालोगे? इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर आप H प्लस डालोगे तो बेस वाला कंपोनेंट रिएक्ट कर जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप एसिड डालोगे तो बेस वाला कंपोनेंट रिएक्ट कर लेगा, अगर आप बेस डालोगे यानी OH एन डालोगे तो एसिड वाला कंपोनेंट रिएक्ट कर जाएगा। फाइन, ओके, ठीक है। तो चलिए अब आप यहां से पीएच लिखोगे तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट यानी बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एसिड यानी ए प्लस एक्स, ये बना, ठीक है। अब मुझे यहां से बफर कैपेसिटी निकालना है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, यहां से बफर कैपेसिटी निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं डी पी एच अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। डी पी एच अपॉन डी एक्स निकाल के बताइए, क्विक आंसर, तुम लोग मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी बताओ। अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे समझ लो, कमान बच्चों, कमान। डी पी एच अपॉन डी एक्स, क्विक आंसर, हाँ, somebody has done it, okay। come on, जल्दी बताइए, अगर इसका differential निकालें तो क्या आएगा? a plus x into b minus x, a plus x into b minus x, क्या बता रहा ए प्लस सिक्स। अब ये भी मुझे करना पड़ेगा क्या? अगर ये भी मुझे करना पड़ा तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ये अगर मुझे करना पड़ा तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। कम ऑन, डी पी एच अपॉन डी एक्स, हैज समवन कैलकुलेटेड? नहीं नहीं नहीं, जस्ट चेक, मैं लिखता हूं आप बताना। ए प्लस एक्स b माइनस एक्स, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2.303, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। कैन यू कंफर्म मी, कैन यू कंफर्म मी, इट इज ए प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स अपॉन 2.303, क्योंकि मैंने लॉग रखा हुआ है और जो आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ln का करते हो ना, log बेस e का, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू 2.303। ऋषभ बिल्कुल करेक्ट बताया, आई थिंक आई हैव डन इट करेक्टली, आई हैव रिटन इट करेक्टली, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है तो मारे से ना पूछना, ओके ओके। तो आई होप यू हैव डन इट करेक्टली, फाइन। तो डी पी एच अपॉन डी एक्स आ गया इतना, और बफर कैपेसिटी जो होता है, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी पी एच एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.303 ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स अपॉन
ए प्लस बी, रादर वी कैन राइट बफर कैपेसिटी का डायरेक्ट फार्मूला इज इक्वल टू 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। व्हाई आई हैव रिटन दिस, बिकॉज ए प्लस बी, ए प्लस एक्स कैन बी रिटन एज ए एंड बी माइनस एक्स कैन बी रिटन एज बी। तो सिंपली यहां ए इंटू बी अपॉन ए प्लस एक्स ले लिया। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो थोड़े समय के लिए, यदि आ रहा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव साइन सिंपली ये बता रहा है कि पीएच घट रहा है। आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट नेगेटिव साइन। किसी का आ रहा है तो नेगेटिव बात मत करो, जस्ट लीव इट। नेगेटिव साइन इज सिंपली टेलिंग यू दैट आफ्टर एडिशन ऑफ एच प्लस पीएच डिक्रीज्ड, राइट। अगर पॉजिटिव आता तो पीएच इंक्रीज हो जाता, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब घट रहा है पीएच। बाय एडिंग एच प्लस पीएच इज घटिंग, आई मीन डिक्रीजिंग। थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके 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 फाइन। तो ये बफर कैपेसिटी निकल आया। नाउ एक बात और यहां पे डिस्कस करना है कि बफर जनरली हम लोग कहते हैं कि बफर कैपेसिटी इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन ए एंड बी आर इक्वल। ओके, तो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम, बीसी इज मैक्सिमम व्हेन डीबीसी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी वंस अगेन, अगर मैं बफर कैपेसिटी इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके जीरो करूं, डी बाय डीएक्स 2.303 a plus x into b minus x divided by a plus b is equal to 0। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्विक। आपस में बहुत बात करते हो यार तुम लोग। कम ऑन, इसका डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से, क्विक। कम ऑन जल्दी, क्विक क्विक। आपस में बात मत करो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मैं ही कर लेता हूं। 2.303 अपॉन ए प्लस बी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बी माइनस ए माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमारा भी आ गया। हमको भी थोड़ा थोड़ा मैथ्स आती है। ओके ठीक है, हाँ कर लिया मैंने भी। ओके तो b माइनस, अच्छा x क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, तो b माइनस a इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, दैट मींस दिस इंडिकेट्स बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एसिड एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्वल। जब कभी एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है या मोल्स उसके बराबर होते हैं तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लो कि जब भी कभी एसिड और सॉल्ट बराबर होगा उस समय बफरिंग एक्शन सबसे अधिक होगा, मतलब पीएच में रेजिस्ट करने का टेंडेंसी सबसे अधिक होगा। और कभी ऐसा हो कि अगर दो ऐसे बफर सॉल्यूशन हैं जिसमें दोनों में ए और बी इक्वल हैं तो उस केस में किसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा। लाइक एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, विच हैज मोर बीसी, पार्ट ए 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, पार्ट बी 1 मोलर
एसिटिक एसिड प्लस 1 मोलर सोडियम एसिटेट. क्विक टेल मी द आंसर. यस बच्चों, किसका बीसी ज्यादा होगा, किसका बफर कैपेसिटी अधिक होगा? क्विक आंसर. टू. यस वेरी गुड आंसर. क्योंकि जो बीसी होता है दिस इज गोइंग टू बी 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ए बी अपॉन ए प्लस बी अधिक आएगा. पार्ट ए में बफर कैपेसिटी अधिक आएगा एंड पार्ट बी में बफर कैपेसिटी अधिक आएगा. आई एम सॉरी. तो यू याद रखिए आप. यस करेक्ट. जब भी कभी दो बफर सॉल्यूशंस ऐसे हो जिनमें दोनों में एसिड और सॉल्ट का कंपोनेंट बराबर है या बेस और सॉल्ट का कंपोनेंट बराबर है, तो उसमें वो बफर ज्यादा बफर कैपेसिटी कंटेन करेगा जिसकी बफरिंग कंपोनेंट की क्वांटिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगी. यस बफर बनाने वाले कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो उसका बीसी अधिक होगा. ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. थर्टी एम एल 0.06 मोलर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन NaA प्लस HA आर NaA एंड HA ये इक्वल अमाउंट में दिया हुआ है. Ka ऑफ HA दिया हुआ है 10^-6. What should be the amount of acid or salt that should be added to make 90 ml of buffer solution having buffer capacity is equal to 0.1. बात बंद करो आप लोग. बीसी बंद करो. बीसी क्वेश्चन करो. हाँ, एक बफर सॉल्यूशन है जिसका इक्वल क्वांटिटी में एनए और एचए लिया है. व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ एसिड और सॉल्ट दैट शुड बी एडेड टू मेक 90 एमएल ऑफ बफर सॉल्यूशन having buffer capacity 0.1. अगर components अलग होंगे तो अलग होने का क्या मतलब है? बफर में तो दोनों components साथ साथ होने चाहिए ना. अलग होंगे तो वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा. हम पहले पहला क्वेश्चन तो कर लें. हर्ष, क्वेश्चन मैंने बनाया, तुम क्वेश्चन पे डाउट कर रहे हो यार. आपको निकालने हैं बफरिंग कंपोनेंट के मोल्स. आपको निकालने हैं बफरिंग कंपोनेंट्स के मोल. कम ऑन क्विक. चलो ये क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं. ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम. अगर कंपोनेंट अलग होंगे, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी टुमारो. क्या लिखा है यार. ठीक है,
0.47 करेक्ट आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल दीजिए। और एक और बात बताता हूं आप लोग को, आप लोगों के पास आयनिक का वो होगा, असाइनमेंट होगा या शीट होगा, नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको शेयर करूंगा आज। तो यू कैन ट्राई बफर के क्वेश्चंस। और अगली क्लास में हम लोग इंडिकेटर करेंगे और इंडिकेटर करने के बाद सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पे विदा लेते हैं। हाँ आई विल शेयर पक्का पक्का। आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। एंड दोज हु वांट टू अटेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैन अटेंड एट 11:30। ठीक है, तो चलिए कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जाने से पहले लाइक करना मत भूलना, ये बिल्कुल परंपरा बना लीजिए। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू टुमारो। किम जोंग, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।